जय श्री महाकाल दोस्तों, आज एक बार फिर हम एक स्त्री का दुख समझते हुए पति वसी होने लाए हैं। जो पति जब सभी प्रकार के टोटके या फिर जादू मंत्र के या फिर सभी प्रकार के समझाने के बाद भी आपकी बातों में ना आए या आपको मारते हैं पीटते हैं, उन महिलाओं को हम दुख समझते हैं। इसीलिए हम जानते हैं उन्होंने जितना भी पैसा बर्बाद कर चुकी हैं या तांत्रिक या अघोरी या ज्योतिष आदि के पास जाकर या बाबाओं के पास जाकर उनको निराशाएं मिली हैं। हम चाहते हैं कि भगवान तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारा कार्य पूर्ण करे, इसीलिए ऐसी कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप बिना कुछ पैसे गवाए खुद अपने विश्वास से अपनी मदद कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी महिला का पति यदि उसको मारता है या उसकी बातों को नहीं मानता है तो उस घर में रहना कितना बड़ा कष्ट होता है, वो नरक के समान हो जाता है। महिला एक ऐसी नारी अर्थात महिला को होती है महिला जो सभी कष्टों को झेलने के बाद भी अपने पति को कुछ देखना चाहती है, पर उसका पति जब उसे मारता है, उसे कुछ पीटता भी है, जब बातों को नहीं मानता है, बच्चों को दुख रखता है, परिवार होने के बावजूद भी उस परिवार की फीलिंग्स अर्थात परिवार का महत्व ना समझते हुए पैसा बर्बाद करता है, शराब पीता है, दारू पीता है और किसी भी प्रकार की अन्य कलेश करता है, तो हम उनके दुख को समझते हुए कुछ वशीकरण या फिर कहें तो टोटका इतना सरल उपाय लेकर आए हैं जो बहुत ही कारगर और फ़ायदेमंद है। इससे करने से अवश्य ही आपको लाभ होगा, पर ऐसा लाभ ना होता है तो आपको लगातार यह प्रयोग 7 दिन करना चाहिए। वैसे तो इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि आपको प्रयोग जल्द हो जाए, पर हम कहते हैं ऐसा प्रयोग आप लगातार 7 दिन करें, इससे आपको आराम मिलेगा। अगर आपको आराम मिलता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हमारे और वीडियो देखने के लिए हमें अच्छी तरीके से लाइक करते रहें, जिससे हमें अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं अर्थात हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें ऐसी प्रयोग को बनाने में अच्छा लगता है जहाँ किसी के कष्ट दूर हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जो तंत्र से अज्ञान है, तंत्र को नहीं जानता है, वो तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर पैसा बर्बाद ना करें। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं आपके और भगवान की कृपा से आप सुख समृद्धि में रहें। तो चलिए बताते हैं इसके प्रयोग के बारे में। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये एक सिंपल सा या कहें साधारण सा टोटका है। इसके लिए महिलाओं को चाहिए तो बस प्याज, हाँ जी दोस्तों, प्याज का वशीकरण है ये। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि जब आप रोटी बनाती हैं तो वहाँ पर एक प्याज रख लें। प्याज रखने के बाद जब आपने रोटी बनाई, उस रोटी पर जो रोटी है उस एक उसमें से रोटी ले लें, उस रोटी पर उंगलियों की मदद से ध्यान रहें अंगूठा स्पर्श ना करें, प्याज काट लेनी है। प्याज काटने के बाद जो छल्ले बन जाते हैं प्याज के, उससे उंगलियां स्पर्श करें, सिर्फ अंगूठा का प्रयोग ना करें। आप कैसे भी कर सकते हैं, कैंची नुमा उंगली होती है ना, कैंची की तरह उंगलियों को चलाते हैं, उस तरीका से आप पकड़ सकते हैं प्याज को या फिर कैसे भी पकड़ सकते हैं, पर स्पर्श ध्यान रहे अंगूठा का प्रयोग ना करें। और उंगलियों की सहायता से कैसे भी प्याज को पकड़ कर रोटी पर जो आप पति को भस्म करना चाहते हैं, उस पति अपने पति का नाम लिखें। नाम लिखने के बाद उस रोटी को आधी रोटी को अपने पास रख लें, आधी रोटी अपने पति को खिला दें। यह आपका समस्या है कि आपके पति आधी रोटी खाएंगे या ना खाएंगे, ये आपको करना है, इसमें हम नहीं कर सकते। शर्त यही रहेगी कि रोटी आधी रहेगी, आधी रोटी आपको खानी है, आधी अपने पति को खिलानी है और कुछ नहीं करना है। बस उंगलियों को इस प्रकार पकड़ना है कि बस आपकी अंगूठा स्पर्श ना करें, उंगलियों को ऐसे पकड़ो, उंगलियों से ऐसे प्याज पकड़नी है कि अंगूठा स्पर्श ना हो। उंगलियों की मदद से आप प्याज कैसे ही पकड़ सकते हैं, यह आपकी समस्या है, पर आप उंगलियों से पकड़ने के बाद जो रोटी साजी थी ना, उस पर पति का नाम लिखकर और आधी रोटी अपने पास रख लें, आधी अपने पति को खिला दें। जब वो आपके पति रोटी खा लें, रोटी आपके पति खा लें, आप रोटी खा लें,
ऐसा करते रहें, ऐसा एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन करें, 7 दिन का ये प्रयोग होता है, आपको डेल्ट आने लग जाएंगे। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो हमें कमेंट में बताएं, हम इससे भी सरल उपाय लाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आपके ग्रह पीड़ा, ग्रह क्लेश आज दूर रहें और आपके संबंध अच्छे रहें, पति पत्नियों में प्यार रहें। इसीलिए हम चाहते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। बहुत दिनों से देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं गेन हो रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना भी कोशिश हो हमारे फॉलोवर्स को बढ़ाने की मदद करें, जिससे हमें भी मोटिवेट होते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें अच्छा लगता है ऐसे प्रयोग लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।